समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वह अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। जोड़ी या घटाए जाने वाली संख्या को पदांतर या सार्वांतर कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। किसी समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करने के लिए श्रेणी के किसी भी पद में से उसका पूर्ववर्ती पद घटाया जाता है, अर्थात समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में हम पहले पद को घटा सकते हैं, तीसरे पद में दूसरे पद को घटा सकते हैं, चौथे पद में तीसरे पद को घटा सकते हैं इत्यादि। समांतर श्रेणी का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 1, 3, 5, 7 इत्यादि। तो इसका जो सार्वांतर है यह 2 है, क्योंकि 3 में यदि आप 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 5 में भी 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो इस तरीके से इस अनुक्रम में पहला पद 1 है, उसके बाद इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। इस तरीके से आगे अनुक्रम बढ़ता जाएगा। परिभाषा में जो पहला वाक्य कहा गया था कि यह वह अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो अनुक्रम है या जो समांतर श्रेणी प्राप्त हुई है, इसके प्रत्येक पद में हमने 2 जोड़ा हुआ है, तब हमें इसका अगला पद प्राप्त हुआ है। दूसरा उदाहरण 20, 18, 16, 14, 12 इत्यादि। तो इसका यदि सार्वांतर ज्ञात किया जाए तो 18 में 20 को घटाएंगे तो मिलेगा ऋण 2, 16 में 18 घटाएंगे तो मिलेगा ऋण 2, 14 में 16 घटाएंगे तो मिलेगा ऋण 2। अर्थात प्रथम पद में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 18, 18 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 16, 16 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 14। इसी क्रम में आगे हमें संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण 11, 11, 11, 11 इत्यादि। तो यहां पर हमें सार्वांतर मिल रहा है 0। दूसरे पद में पहले पद को घटाएं या तीसरे में दूसरे पद को घटाएं या चौथे में तीसरे पद को घटाएं, हमें मिल रहा है 0। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा में दूसरा वाक्य यह कहा गया था कि सार्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तो यहां पर यह तीसरी श्रेणी भी समांतर श्रेणी है और यह प्राप्त किया गया है प्रथम पद में 0 जोड़ने के बाद, फिर दूसरे पद में फिर 0 जोड़ने के बाद हमें वही संख्या मिलती जाएगी। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए, सार्वांतर को डी, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटा अक्षर डी, तथा व्यापक पद या एनवे पद को टी एन, ये स्मॉल टी एन भी हो सकता है और कभी कभी कैपिटल टी एन भी लिखा जाता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी का एनवा या व्यापक पद, जनरल टर्म और एनथ टर्म ऑफ एपी। तो प्रथम पद इक्वल टू ए हो तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए प्लस 0 इंटू डी, इक्वल टू ए प्लस 1-1 इंटू डी। दूसरा पद है उसमें सार्वांतर जोड़ देंगे ए में, प्रथम पद में हम डी को जोड़ेंगे तो मिलेगा ए प्लस डी। तो ए प्लस डी को लिखा जा सकता है ए प्लस 2-1 इंटू डी। अब दूसरे पद में यदि हम डी को ऐड करें, डी को जोड़ें, तो हमें मिलेगा तीसरा पद, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d। तो ए प्लस 2d को लिखा जा सकता है ए प्लस 3-1 इंटू डी। इसी प्रकार चौथा पद होगा ए प्लस 3d इक्वल टू ए प्लस 4-1 इंटू डी। ये क्रम इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इससे स्पष्ट यह है कि प्रत्येक पद में ए जोड़ा गया है और उसमें डी का गुणांक श्रेणी पद की संख्या से एक कम है। जैसे कि दूसरे पद में डी का गुणांक 1 है, तीसरे पद में डी का गुणांक 2 है, चौथे पद में डी का गुणांक 3 है। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का एनवा पद हम लिख सकते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस 1-1 इंटू डी, जहां पर ए प्रथम पद, एन एन पद की संख्या और डी सार्वांतर है। श्रेणी के एनवे पद को व्यापक पद कहा जाता है। इसमें यदि हम n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इत्यादि रखें तो हमें उस श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि पद हमें मिलता जाएगा। यदि किसी श्रेणी में
एन पद हैं तो एनवा पद उस श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है या लास्ट टर्म कहलाता है, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद। तो इसके पूर्व में हमने जितने भी पद निकाले हैं वहां पर हमने प्रारंभ से एनवा पद निकाला है, अब हम अंत से एनवा पद ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद बराबर एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। तो जो समांतर श्रेणी है उसके क्रम को परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात अंतिम पद को पहला पद बना दिया जाए और पहले पद को अंतिम पद बना दिया जाए। तो हमें एक स्थान पर लिखना होगा एल, पहले वाले समांतर श्रेणी का अंतिम पद था वो अब पहला पद बन गया, और यदि समांतर श्रेणी में डी धनात्मक है तो उसको उल्टा क्रम में लिखने पर हमें डी का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद बराबर एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी होगा। और दूसरा फार्मूला इस प्रकार लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद बराबर समांतर श्रेणी का प्रारंभ से एल माइनस एन प्लस वनवा पद। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, यदि इसमें हमें प्रारंभ से सातवां पद कहा जाए तो हम लिखेंगे सात, और यदि इसकी उल्टी गिनती की जाए अर्थात अंत से उस पद को गिना जाए तो एक दो तीन चार पांच, मतलब पांचवा पद अंत से जो है वह सात है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जब पदों की संख्या कैपिटल एन हो, दिए गए समांतर श्रेणी में, दिए गए समांतर श्रेणी में जब पदों की कुल संख्या कैपिटल एन हो तो हम यह लिख सकते हैं कि अंत से एनवा पद, ये स्मॉल एनवा पद है, बराबर प्रारंभ से कैपिटल एन माइनस एन प्लस वनवा पद। एक बार फिर से देखते हैं, कैपिटल एन जो है वो पूरे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है या कुल संख्या है, स्मॉल एन अंत से जो पद हमें ज्ञात करने कहा गया है वह है, और ये प्लस वनवा पद है। तो यदि इस फार्मूले का उपयोग करके हम क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो अंत से यदि पांचवा पद कहा जाए तो स्मॉल एन की जगह हम रखेंगे पांच, और पूर्व में हमने ये जो समांतर श्रेणी देखी है इसमें कुल पदों की संख्या है 11, तो कैपिटल एन की जगह हम लिखेंगे 11, स्मॉल एन की जगह लिखेंगे 5। अंत से पांचवा पद बराबर प्रारंभ से 11 ऋण 5 धन 1 वा पद, अर्थात प्रारंभ से सातवां पद। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह फार्मूला किस तरीके से सही है। तो पहला प्रश्न है श्रेणी 9 5 1 ऋण 3 इत्यादि का दसवां पद ज्ञात कीजिए। इसका दसवां पद ज्ञात करने कहा गया है, तो जो दिया गया है यह है श्रेणी, श्रेणी है 9 5 1 ऋण 3 इत्यादि। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका जो प्रथम पद है इसे ए से हम प्रदर्शित करते हैं और यह है 9। इसका जो सार्वंतर है इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी का मतलब दूसरे पद में पहला पद घटाइए या तीसरे पद में दूसरा पद घटाइए या चौथे पद में तीसरा पद घटाइए। तो तीसरे में यदि मैं दूसरा को घटा दूं तो 1 माइनस 5 ये मिल जाएगा माइनस 4, और हमें ज्ञात करना है टी 10, दसवां पद हमें ज्ञात करना है। तो आपको यह पता है कि टी एन, कैपिटल भी लिखते हैं स्मॉल भी लिखते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो इसमें यदि हम n इक्वल टू 10 रख दें तो हमें दसवां पद प्राप्त हो जाएगा, 10 रख दें तो a इक्वल टू है 9, n का मान है 10 और d का मान है माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 9 प्लस 9 इंटू माइनस 4, मिल जाएगा 9 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 27। तो इस तरीके से हमने इस श्रेणी का दसवां पद ज्ञात किया जो कि माइनस 27 है। इसमें दूसरा प्रश्न है श्रेणी 1 बाई 2 1 3 बाई 2 2 इत्यादि का सौवां पद ज्ञात कीजिए। तो दिया है समांतर श्रेणी
एक बटे दो, एक, तीन बटे दो, दो इत्यादि। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका जो प्रथम पद है ए, ये 1/2 है। डी या सर्वांतर, इसका मान है 1 - 1/2। दूसरे पद में मैं पहले पद को घटा रहा हूँ तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। ज्ञात करना है T100, इसका सौवां पद जो है वो क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये पता है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। तो यदि हम n के स्थान पर 100 रख दें तो ये हमें वह पद मिल जाएगा, a इक्वल टू 1/2 प्लस n के स्थान पर 100 माइनस 1 और d का मान 1/2। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 प्लस 99/2, दोनों का एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 99, दैट इज 100/2। तो इस तरीके से इस समांतर श्रेणी का सौवां पद 50 हमें प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है, श्रेणी n, n माइनस 1/n, n माइनस 2/n का n प्लस 1वां पद ज्ञात करना है। तो जो समांतर श्रेणी दिया गया है ये है n, n माइनस 1/n, n माइनस 2/n इत्यादि। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रथम पद जो है ये स्मॉल n है, कैपिटल D या फिर सर्वांतर। दूसरे पद में हम पहले पद को घटा रहे हैं, n माइनस 1/n और फिर ये माइनस n। तो यहाँ से आपको मिल गया माइनस 1/n, ये प्लस n और ये माइनस n दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पूछा गया है n प्लस 1वां पद, तो आपको पता है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। कैपिटल n के स्थान पर आपको लिखना है स्मॉल n प्लस 1, तो ये हो जाएगा Tn प्लस 1 इक्वल टू a, और a के स्थान पर लिखना है n प्लस कैपिटल n के स्थान पर n प्लस 1 और फिर ये माइनस 1 और d का मान है माइनस 1/n। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू मिलेगा n माइनस n अपॉन n। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा n माइनस 1। तो हमें जो ज्ञात करना था n प्लस 1वां पद, ये हमें मिल चुका है, ये है n माइनस 1। चौथा प्रश्न है, a प्लस 2b, a माइनस b, a माइनस 4b इत्यादि का n-वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो समांतर श्रेणी दिया गया है यह a प्लस 2b, a माइनस b, a माइनस 4b इत्यादि। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A इक्वल टू ये a प्लस 2b है, सर्वांतर कैपिटल D। दूसरे पद में पहले पद को घटा रहे हैं, a माइनस b माइनस a माइनस 2b, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b और माइनस 2b सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 3b। n-वां पद पूछा है, आपको पता है कि समांतर श्रेणी का n-वां पद जो होता है ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n-वां पद ज्ञात करना है, Tn इक्वल टू a और a के स्थान पर है a प्लस 2b प्लस n माइनस 1 और d का मान है माइनस 3b। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा Tn इक्वल टू a प्लस 2b माइनस 3nb और माइनस और माइनस प्लस 3b। यहाँ से हम लिख सकते हैं Tn इक्वल टू 2b प्लस 3b 5b, a प्लस 5b माइनस 3nb, या फिर Tn इक्वल टू a प्लस, यदि इसमें से b कॉमन ले लिया जाए तो आप लिखेंगे 5 माइनस 3n, और यही हमें ज्ञात करना था। पांचवा प्रश्न है, श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद
218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो समांतर श्रेणी दिया गया है ये है 8, 15, 22 और अंतिम पद दिया गया है 218। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद जो है ये 8 है, डी दूसरे पद में पहले पद को घटा रहे हैं तो मिल गया 7 और अंतिम पद दिया गया है 218। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अंतिम पद L बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए का मान है 8, एन ये हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 7 बराबर एल और एल का मान है 218। तो यहाँ से इसको जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 8 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 218। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 7n प्लस 1 इक्वल टू 218, या फिर ये 1 को पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड पर तो मिल जाएगा 7n इक्वल टू 207 और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा n इक्वल टू 217 अपॉन 7। तो यहाँ से आपको मिल गया n इक्वल टू 31। तो इस दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या जो है ये 31 है। अगला प्रश्न है कि क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कोई पद है? यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में हम यह मान करके चलेंगे कि दिया गया जो समांतर श्रेणी है उसका एनवा पद जो है वो 302 है और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये एनवा पद या व्यापक पद होता है। उस सूत्र का उपयोग करेंगे और सरल करेंगे। यदि n का मान पूर्णांक संख्या आती है तो हम यह कहेंगे कि समांतर श्रेणी का वह पद nवां पद है, अर्थात जो नंबर हमें प्राप्त होगा। और यदि n का मान पूर्णांक संख्या न आकर के कोई ऐसी संख्या आती है जो कि परिमेय संख्या के रूप में है तो हम यह कहेंगे कि वह यह जो दिया गया पद है 302 यह समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो चलिए, तो जो समांतर श्रेणी दिया गया है यह है 3, 8, 13, 18 इत्यादि। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 3, प्रथम पद है जो है ये 3 है, d का मान 8 माइनस 3 मिल जाएगा 5। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि माना जो 302 है यह समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो आपको पता है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए का मान है 3, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 5। ये 302 हल करेंगे तो मिल जाएगा 3 × 5n − 5 बराबर 302। हल करेंगे तो मिल जाएगा 5n − 2 बराबर 302 या फिर 5n बराबर 304 और n का मान आपको मिल जाएगा 304/5 और सरल करने पर आपको मिल जाएगा 60 × 4/5। तो चूंकि n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है अतः हम यह लिखेंगे कि 302 समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 इत्यादि का कोई पद नहीं है। सातवां प्रश्न है, श्रेणी −1, −5, −11 में कौन सा पद −113 है? तो पहले हम लिख लेंगे कि जो समांतर श्रेणी दिया गया है −1, −5, −11 इत्यादि, इसमें
प्रथम पद ए बराबर ऋण एक है और डी का मान 5 ऋण और ऋण धन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मिल रहा है 6। तो हम यह मान करके चलेंगे कि माना श्रेणी का समांतर श्रेणी का एनवा पद 113 है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान है ऋण एक, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 6 बराबर 113। इसे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स इक्वल टू 113। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6n इक्वल टू 113 प्लस 7 इक्वल टू 120। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n इक्वल टू 120 अपॉन 6, तो n इक्वल टू 20। अर्थात कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका समांतर श्रेणी अभीष्ट समांतर श्रेणी का एनवा अर्थात 20वां पद ये 113 है। आठवां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 6 10 14 और अंत में है 86 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि दिया है समांतर श्रेणी 6 10 14 और अंतिम पद है 86। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका प्रथम पद 6 है, सार्वंतर डी का मान 10 ऋण 6 बराबर 4 है और अंतिम पद है 86। तो इसमें हम प्रथम विधि से देखते हैं, दो अलग अलग विधियों से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया कि अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का अंत से एनवां पद बराबर एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। एल का मान है 86 धन एन यहां पर है 12 ऋण 1 और डी का मान है 4, यहाँ पर हम लोग को लिखना है रिय ऋण 4। तो मिल जाएगा 86 धन 11 गुणित ऋण 4। तो हल करेंगे तो मिल जाएगा 86 ऋण 44 बराबर 42। ये हो गया उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अब इसमें द्वितीय विधि देख लेते हैं। द्वितीय विधि में यह कहा गया है कि अंत से एनवा पद जब कुल पदों की संख्या कैपिटल एन हो तो ये होता है प्रारंभ से कैपिटल एन माइनस एन प्लस 1वां पद। तो यहां पर हमें कुल पदों की संख्या कैपिटल एन ये ज्ञात करनी होगी और आपने ये पढ़ा हुआ है कि कैपिटल एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो अंतिम पद है ये है 86, प्रथम पद है 6, एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 4। तो आगे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 6 धन 4 एन ऋण 4, 6 ऋण 4 करेंगे तो मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से मिल जाएगा 4 एन बराबर 86 ऋण 2 बराबर 84। हल करेंगे तो एन का मान मिल जाएगा 21। तो यहां पर ये जो पदों की संख्या है ये 21 है। तो इस फार्मूले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए हमने कुल पदों की संख्या को कैपिटल एन लिया है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल एन से, कुल पदों की संख्या है 21। तो अंत से एनवा पद, तो अंत से एनवा पद बराबर प्रारंभ से
कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन प्लस वनवां पद, तो एन के स्थान पर है 21, कैपिटल एन के स्थान पर है 21, फिर स्मॉल एन के स्थान पर है 12, फिर प्लस वन वां पद, हल करेंगे तो मिल जाएगा दसवां पद। तो दसवां पद होगा प्रारंभ से, तो इस समांतर श्रेणी का दसवां पद हम लिखेंगे a प्लस 9d। a का मान है 6 और ये 9 और d का मान है 4, हल करेंगे तो मिल जाएगा 6 धन 36 बराबर 42, और यही उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो देखिए प्रथम विधि से भी वही उत्तर मिला है जो कि दूसरे विधि से मिला है। तो इस तरीके से आप किसी भी विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि समांतर माध्य का उपयोग करके कैसे किसी अचर किसी चर राशि का मान हम ज्ञात करते हैं। तो नौवां प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद फोर के प्लस 8, 2k² प्लस 3k प्लस 6 व 3k² प्लस 4k प्लस 4 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दो तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि पहले दिया गया है कि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद, यदि ए बी और सी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हो तो बीच वाले पद को माध्य कहते हैं या समांतर माध्य कहते हैं। तो ये हमें बी इक्वल टू मिलेगा ए प्लस सी अपॉन 2। इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं कि ये प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो बराबर होगा वह द्वितीय पद के, या फिर सार्वंतर के कंसेप्ट का उपयोग करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए तो हम इसे लिखेंगे सार्वंतर की परिभाषा से, दूसरा पद है 2k² प्लस 3k प्लस 6 और माइनस 4k प्लस 8 इक्वल टू, तीसरा पद है 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस दूसरा पद 2k² प्लस 3k प्लस 6। इसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k और ये माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये 2k² और फिर ये 3k और माइनस 4k, तो मिल जाएगा माइनस k। 6 माइनस 8 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 3k² माइनस 2k² k² 4k माइनस 3k दैट इज k और 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। तो ये माइनस 2 लेफ्ट और राइट दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं 2k² माइनस k और ये k² को हम पक्षांतर करके लेफ्ट में ले आ रहे हैं तो ये मिल जाएगा माइनस k² और फिर माइनस k इक्वल टू 0। 2k² माइनस k² मिल जाएगा k² और माइनस k दैट इज माइनस 2k इक्वल टू 0। आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा k कॉमन ले लेंगे k माइनस 2 इक्वल टू 0। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है तो यहाँ से मिल जाएगा k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2। तो ये दो मान हैं जो कि दिए गए समांतर श्रेणी को संतुष्ट कर रहा है या फिर K का मान रखने पर जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों आपने देखा कि समांतर श्रेणी का एनवा पद जिसे हम TN से प्रदर्शित करते हैं ये होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
जहां पर ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी सार्वंतर होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम दिए गए इस सूत्र का उपयोग करके हम देखेंगे कि दिए गए कथन से किस प्रकार हम समीकरण बनाते हैं और वो समीकरण किस प्रकार समांतर श्रेणी से संबंधित है और समांतर श्रेणी के सूत्रों का उपयोग करके हम अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न।